तो स्वाद के शौकीनों का शहर है इंदौर, और इंदौर शहर के बम्बई बाज़ार की गलियों से जब हम गुजरते हैं तो गुलशन टी स्टॉल पर आकर कदम अपने आप ठहर जाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत यहाँ की है और कुछ ऐसी ही महक चाय की इन गलियों में जो है चलती रहती है। दिन भर यहाँ पर चाय का सिलसिला चलता है और दूर दूर से लोग नमक वाली चाय पीने के लिए बम्बई बाज़ार की इस गली में आकर पहुँचते हैं। आखिर क्या है इस चाय की खासियत और क्यों लोग इस चाय को इतना पसंद करते हैं, आइए बताते हैं आपको। इंदौरी स्वाद के आज के इस खास सेगमेंट में हम आपको मिलवा रहे हैं इंदौर के ऐसे ही स्वाद पसंद लोगों की मंजिल से, जो है इंदौर के बम्बई बाजार का गुलशन टी स्टॉल। यहाँ की चाय की बात ही कुछ अलग है और इस चाय को बनाने की विधि और इसका स्वाद भी। यहाँ अंगारों पर चाय बनती है और सुबह 4 बजे से शुरू हुआ यह सिलसिला दिन भर और रात 1 बजे तक चलता रहता है। लगभग 19 से 20 घंटे दुकान खुली रहती है, सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे। ये अपनी जो दुकान है करीब लगभग 60 साल पुरानी दुकान है, लगभग 60 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसको। और ये यहाँ पर जो जितने भी मुस्लिम इलाके हैं यहाँ पर नमक वाली चाय ही पसंद करते हैं लोग, और इसका एक अलग से टेस्ट होता है, अलग स्वाद होता है। और लोग ये नमक वाली चाय जो है सही मानों में नुकसान भी कम करती है, क्योंकि इसके अंदर जो चाय की पत्ती होती है उसकी नमक डलने से उसकी जो ख़राब करने वाली चीज़ है बॉडी को वो कम हो जाती है। गुलशन टी स्टॉल पर सुबह से ही चाय के शौकीनों की भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ जो भी चाय पीने आता है वह कोई साधारण ग्राहक नहीं होता है, बल्कि सालों से बंधा हुआ ग्राहक है जो यहाँ की चाय के बिना शायद रह नहीं पाता है। एक बम्बई बाजार के अंदर है उसकी चाय की, इंदौर में सारे शहर के लोग यहाँ चाय पीने आते हैं, और 300 लीटर दूध उठता रोज का, और हर चीज़ यहाँ पर अच्छी मिलती है, बेहतर। और कुछ स्वाद कैसा लगता है? स्वाद एक नंबर स्वाद। रात को आइए आप, नाम उसका यहाँ होगा 10 साल होगा, एक नंबर चाय बनती है, और एक नंबर के नाम से जो है हर चीज़ में स्वाद, जलेबी में, लुप्ती में, मिठाई में, साफ सफेद में, सब में स्वाद काफ़ी अच्छा है। और नमक वाली चाय मिलती है गुलशन होटल की, और फेमस होटल है, और काफ़ी सुव्यवस्था भी यहाँ पर अच्छी है, और साफ सफाई काफ़ी अच्छी है। हम तो यहाँ बरसों से चाय पी रहे हैं साहब, साफ सफाई के मामले में, चाय के टेस्ट वगैरह के मामले में सबसे बेहतरीन चाय है। कभी स्वाद बदला है चाय का? नहीं, चाय का स्वाद एक तरीके ही रहता है, कभी स्वाद में चेंज नहीं आता। चाय बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, इंदौर में कहीं ऐसी चाय नहीं मिलती है, लाजवाब चाय विल्सन। मेरे को यहाँ चाय पीते थे कम से कम 15-1 साल तो हो ही गए होंगे। यहाँ का जो प्याला है वो स्पेशल मिलता है विद मलाई वाला जो है, बहुत शानदार है। उसकी मतलब तारीफ तो कर ही नहीं सकते कैसी है, कि मैं नयापुरा से यहाँ पीने आता हूँ चाय, और मेरा 3 बार सुबह से लेकर शाम तक 3 बार आके पी के जाता हूँ मैं यहाँ से। चाय तो 5 रुपये की है, लेकिन 10 रुपये का पेट्रोल खर्चा करके आता हूँ मैं यहाँ चाय पीने। मेरा मतलब सुबह से लेके 3 बार तो आते ही आता हूँ मैं, मतलब मेरे को इतनी सूट करती है कि चाय बहुत शानदार चाय है, लाजवाब है। इस टाइप की चाय बड़े शहरों में बॉम्बे वगैरह में महंगी मिलती है, यहाँ 5 रुपये में मिलती है, बहुत बढ़िया चाय है। देवी नगर जा रहा है, यहाँ के सवाल जिसको एक बार लग जाता है फिर उसको दिन में एक बार आना ही पड़ता। कितने सालों से लगभग यहाँ की चाय पी रहे हैं? और 25-30 साल का। वही नमक वाली चाय को बनाने का तरीका भी बेहद अलग है। इस चाय को पहले बड़े से मर्तबान में तैयार किया जाता है। इसके लिए चाय पत्ती, शक्कर और खड़े नमक की बराबर मात्रा लेकर उसे उबाला जाता है ताकि चाय का स्वाद बरकरार रहे। सालों से ये चाय एक जैसा ही स्वाद देती है और इसके लिए काफी मेहनत भी लगती है। इसके बाद इसे कोयले की सिगड़ी पर रखे बर्तन में डाल दिया जाता है। जब भी कोई ग्राहक चाय लेने आता है तो पहले उसे गर्म दूध के भगोने में से दूध लेकर और फिर उसमें चाय का उबलता हुआ पानी मिलाकर दे दिया जाता है। नमक वो जो नमक चाय के अंदर डालते हैं वो खड़ा नमक होता है, पिसा हुआ नहीं होता। तो बनाने की जो विधि है जी, कैसे बनाते हैं, क्या क्या? चाय, शक्कर और नमक तीनों को मिक्स करके रखते हैं, पानी के अंदर उबालते हैं, जरा पानी 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 के अंदर उसको उबालते हैं, फिर पका के छानते हैं, फिर छान के यहाँ पर बाहर ला के डालते हैं, फिर यहाँ पे अलग से उकलती है, और फिर दूध दूध अलग रहता है, चाय अलग रहती है, वो दोनों को मिक्स करके फिर बेचते हैं।
बम्बई बाजार की यह चाय लोगों की आदत की तरह नजर आती है। लोग दूर दराज के मोहल्लों से यहाँ चाय पीने आते हैं। वहीं दिन भर दुकान पर चाय के दीवानों का तांता लगा रहता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जहाँ आज इंदौर शहर में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की चाय उपलब्ध है, वहीं बम्बई बाजार की चाय आज भी 5 रुपए में मिल सकती है। हालांकि इस चाय के दाम भी समय के साथ साथ बढ़ते रहे हैं, लेकिन फिर भी यह चाय काफी किफायती है। 1000 से 1500 लोग तो आते ही हैं। आपकी जो आज की पीढ़ी है जी, तो नए लोगों को पसंद करते हैं चाय को? नए लोग भी बहुत शौक से चाय पीते हैं, वो उनका एक अलग शौक होता है। इसके अंदर एक तीन चाय, एक झरना चाय होती है जिसमें मलाई डाल के दी जाती है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं, नए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि शुरू से ही जब से ही मुस्लिम इलाकों में के अंदर सस्ता बिकता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें सब सस्ती बिकती है, आप खाने भी आके देख लेंगे तो सस्ता ही मिलेगा। लेकिन अभी अभी थोड़ा चेंज होने लगा है कि आप थोड़ा महंगाई के हिसाब से थोड़ा चेंज होने लगा है, अभी दुकानें भी चेंज हुई हैं। तो अभी ये चाय भी थोड़ा जैसे 5 रुपये में हम बेचते हैं, हमारे को जो रनिंग हमारा आइटम है उसके हिसाब से पुर जाती है। अगर हम इसका रनिंग कैपेसिटी नहीं हो तो ये नहीं पुरेगी। आज भी पाँच रुपये की चाय बेचते हैं, जबकि लगभग अनुमान बाज़ार के हिसाब से 7 से 8 रुपये कीमत का माल है। नहीं, पहले शुरू में तो हमारे पुरखों के टाइम पे 25 रुपये 10 पैसे की 5 पैसे की बिकती थी, फिर 10 पैसे की हुई, 15 पैसे की हुई, फिर 25 पैसे की दो हुई, 25 पैसे की हुई, 50 पैसे की हुई, फिर 1 रुपये की हुई, फिर 1.5 रुपये की हुई। ऐसे भाव धीरे 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 जैसे महंगाई बढ़ती थी, लेकिन हाँ फिर भी बाज़ार से हमेशा लगभग 75% 25% कम में ही माल बिकता है यहाँ पर। लगभग बाजार में अगर 7 रुपये 8 रुपये की है तो यहाँ 5 रुपये की बिकती। बम्बई बाजार की चाय पीने वालों का दावा है यह चाय उनकी सारी थकान उतार देती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस चाय की उन्हें आदत पड़ चुकी है। कुल मिलाकर कारण चाहे जितने हो, लेकिन फूड कैपिटल इंदौर में यदि सभी चीजें प्रसिद्ध हैं, तो उसमें बम्बई बाजार की नमक वाली चाय भी एक है। यदि आपने आज तक नहीं पी तो आप भी जा सकते हैं बम्बई बाजार की नमक वाली चाय पीने। आयुष यादव के साथ राहुल तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।